अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हरीश अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली टॉरियंस के लिए इन अ सिंगल लाइनर अगर बयान करूँ तो आप अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत जिसे हम गोल्डन टाइम कह सकते हैं आप उसे इंजॉय करेंगे अगले 10 दिनों में। अल्लाह ताला की तरफ से हर जो सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स रोटेट कर रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं, उस हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई आपके ऊपर असर आता है। उन असरात में से ज़्यादातर इस वक्त आपके लिए मुसबत है, प्रोडक्टिव है। वन बाय वन सब बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त आपके फोर्थ एंगल पर है। वो फोर्थ एंगल पर बहुत प्रोडक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। इससे आपकी जज्बाती कैफियत में निखार आएगा, नफासत आएगी, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर फैमिली ओरिएंटेड, यू आर मोर ड्यूटीफुल। यू वो क्या कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों में, अल्लाह ताला की तरफ से वो जो इनर अबिलिटीज़ हैं वो आपकी बढ़ेंगी। उसमें मोहब्बत है, कुर्बानी देने का जज्बा है, आजजी है, एंड फैमिली वेलफेयर के लिए जो ड्यूटीज़ निभाना होती हैं वो सब आपको मुयस्सर है। आपकी शख्सियत में अट्रैक्शन पैदा होगी। जहाँ किसी फैमिली गेट टुगेदर में, किसी दोस्तों की गेट टुगेदर में कोई टॉरियन होगा तो वो ज़्यादा काबले ज़िक्र होगा, लोग उसकी तरफ मायल होंगे, उसकी बातों को ज़्यादा सुनेंगे। तो दिस इज़ योर क्वालिटी, मुफ्त में मिली है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा किया है कि जिससे आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए। ये अल्लाह ताला की नेमतों में से है कि एक ऐसा माहौल पैदा होने लगा है जिससे टॉरियन नेचर ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। मरकरी 27th ऑफ जून को सूरज के साथ आपके थर्ड एंगल पर परफॉर्म करेगा। ये नया वाक्या है जो इस हफ्ते 27 जून को सामने आएगा। मरकरी और सूरज आपस में गहरे दोस्त हैं। दोनों की परफॉर्मेंसेज अक्लो जहानत पर मबनी, करेज पर मबनी, पावरफुल डिसीजन, रिस्क टेकिंग, मल्टीटास्किंग, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स। मरकरी ह्यूमन नेचर में ऐसी टेंडेंसी क्रिएट करता है, ऐसे रुझानात क्रिएट करता है कि चीज़ों को आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर सकेंगे, ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन। आपने किसी से मोहब्बत का इजहार करना है तो आपके जो इजहार मोहब्बत के अल्फाज हैं वो जज्बात से भरे हुए होंगे, मैजिकल होंगे, अफेक्टिव होंगे। मुंह से निकली हुई बातें टॉरियंस की लोगों के दिलों पर असर करेंगी। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो कुछ तो मुंह से निकालेंगे, वो लोगों के दिलों पर असर करेगा। अगर आप रोमांटिक हैं तो कुछ तो बोलेंगे, वो लोगों के दिलों पर असर करेगा। फैमिली मेंबर हैं, फैमिली के साथ आप किसी तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी बात को रद्द करना आसान नहीं होगा।